तिरुमला तिरुपति एक ऐसी भव्य स्थान जहां हजारों लाखों में भक्त हर दिन विभिन्न जगहों से अपनी मन्नतें मांगने आते हैं। तो कोई अरसों से दर्शन की उम्मीद में है कि कब भगवान वेंकटेश्वरा जी के दर्शन मिले, और यहां आपको जिंदगी में एक बार तो जाना जरूर चाहिए। तो चलिए आपको वर्चुअली तिरुपति बालाजी के दर्शन के लिए ले चलते हैं। हाँ, दर्शन तो नहीं करा पाएंगे आपको क्योंकि वहाँ रिकॉर्डिंग्स अलाउड नहीं होता है, पर आपको सारी जानकारी देंगे इस वीडियो के द्वारा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो जब भी आप दर्शन के लिए जाने का प्लान करते हो। तो शुरू करने से पहले आप भी मेरे साथ एक बार बोलिए गोविंदा गोविंदा। तो हम लोग सुबह 5:30 बजे शार्प निकल गए चेन्नई से तिरुपति के लिए, और चेन्नई से तिरुपति का डिस्टेंस है 160 किलोमीटर, जो आपको लग जाएगा लगभग 3.5 से 4 घंटे पहुंचने में। अब तिरुपति बालाजी के दर्शन के लिए आपको जाना पड़ता है तिरुमला हिल्स, जहां बालाजी मंदिर है। और अगर आप दूसरे शहर से आते हो तो आप पहले तिरुपति बाई डायरेक्ट ट्रेन या फ्लाइट से पहुंच सकते हो, फिर वहां से आपको बहुत सारी बसेस मिल जाएंगी जो आपको तिरुमला हिल्स में बालाजी मंदिर तक पहुंचा देगा। सो लगभग 2 घंटे बाद जाकर हम लोग रुके यहाँ पर ब्रेकफास्ट के लिए, और अभी करेंगे ब्रेकफास्ट और फिर यहाँ से और 1.5 घंटा लगेगा हम लोग को पहुँचने में। हाँ, और इसी पर तिरुपति दर्शन के लिए हम लोग जो है पैकेज करवा लिया है, और पैकेज की करवाए वो आगे जाकर आपको बताते हैं, फिलहाल करते हैं ब्रेकफास्ट क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगा है। हम लोग ने इस बार एक ट्रैवल एजेंट से बुक कराया था पूरा तिरुपति दर्शन टूर, जिसमें वो लोग एक सेडान कार प्रोवाइड करते हैं, साथ में मॉर्निंग ब्रेकफास्ट लंच और स्पेशल दर्शन का टिकट भी प्रोवाइड करते हैं, और उसका हम लोग ने पे किया था 10,000 रुपये 4 लोगों का, 2,500 पर पर्सन के हिसाब से, क्योंकि हम लोग को दर्शन का टिकट मिल नहीं रहा था बहुत ही शॉर्ट टाइम में, तो ट्रैवल एजेंट से ही बुक करवाना पड़ा। आप तिरुपति पहुंचने के बाद आप पहले जा सकते हो पद्मावती टेम्पल, जो तिरुपति बस स्टैंड से कुछ 4 किलोमीटर की दूरी पर है, और वहां आपको सुबह दर्शन करना होता है, 10:30-11 बजे के बाद जो है दर्शन अलाउड नहीं है। और तिरुपति बस स्टॉप से तिरुमला के लिए जो है आपको बहुत सारे बसेस मिल जाएंगी, जिसका टिकट का प्राइस 90 रुपीज होता है एडल्ट के लिए और 50 रुपीज बच्चों के लिए। या तो आप फ्री बस भी यूज कर सकते हो जो आपको तिरुपति बस स्टॉप या रेलवे स्टेशन के पास से मिल जाएगा, और वो कुछ दिखने में ऐसी होती है। तो अभी हम लोग यहाँ पर रुके चेक पोस्ट पर, यहाँ पर चेकिंग होता है सारे कार का, जो कार से उधर के जाना पड़ता है आपको क्रॉस करना पड़ता है, और यहाँ पर चेकिंग होता है पूरा, हर एक बैग जो है और कार को चेक किया जाता है। देख सकते हो आगे से इतना लंबा लाइन लगा हुआ होता है। सो डन विद द सिक्योरिटी, और ये पीछे देख सकते हो पहाड़, यहाँ से हम लोग को चढ़ना है, और लगभग 20 मिनट लगेगा हम लोग को चढ़ने में ऊपर तक का, और यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर का डिस्टेंस है ऊपर तक का। Let's go, Govinda, Govinda. तो हम लोग पहुंच गए अभी तिरुमला, और यहाँ पर पार्किंग सामने है, तो हम लोग जो है यहीं पर जो मोबाइल और घड़ी वगैरह सब कुछ रख देंगे, जूता वगैरह, और आगे भी काउंटर है, वहाँ पर जाके सबमिट कर सकते हो अगर आप नो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आ रहे हो और खुद का गाड़ी से नहीं आ रहे हो। तो हम लोग जो यहीं पे छोड़ देंगे सारा बैग बस नो आईडी प्रूफ और वॉलेट ले लेंगे, और बाकी सब कुछ यहीं पर जो ड्रॉप करके हम लोग चले जाएंगे, लाइन में लग जाएंगे दर्शन के लिए। तिरुपति बालाजी के दर्शन के लिए आपके पास 3 तरीके का ऑप्शंस होता है। पहला है कि आप 300 रुपये का स्पेशल दर्शन का टिकट लेकर जा सकते हो, जो आपको पहले से ही ऑनलाइन लगभग 3 महीने पहले बुक करना पड़ता है, वरना आपको शायद टिकट्स ना मिले, और इस स्पेशल टिकट से आपका कुछ 2 से 4 घंटे में दर्शन हो जाता है। दूसरा है आप फ्री लाइन में भी जा सकते हो, जिसमें दर्शन का टाइम कोई फिक्स नहीं है, और आपको मिनिमम 6 घंटे से लेकर 18-20 घंटे तक का भी टाइम लग सकता है। और तीसरा है बाइक वॉक, आप तिरुपति से तिरुमला तक वॉक करके जा सकते हो, और इसमें भी ट्रैकिंग के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला है कि आप बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन से जा सकते हो
अलीपीरी मेट्रो, जहां से ट्रेकिंग के लिए आपको 9 किलोमीटर चलना होगा और कुछ 3500 स्टेप्स होते हैं और कुछ लगभग 4 घंटे लग जाता है ऊपर तक पहुंचने में। और दूसरा है कि आप श्रीवरी मेट्रो से भी जा सकते हो और ये थोड़ा शॉर्ट पड़ता है, आपको सिर्फ 2 किलोमीटर चलना होता है और कुछ 2300 स्टेप्स होते हैं जो आप 2 से 2.5 घंटे में कंप्लीट कर सकते हो। और अलीपीरी मेट्रो से ट्रैक आप 24/7 कर सकते हो, जहां श्रीवरी मेट्रो से आपको सिर्फ सुबह 6 से शाम के 5:30 बजे तक की ट्रैकिंग अलाउड है। एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि अलीपीरी मेट्रो से दर्शन का जो कोटा है वो है 14,000 पर डे का और श्रीवरी मेट्रो से जो दर्शन का कोटा है वो है 6,000 पर डे का। दर्शन के टाइम लाइन में आपको टॉयलेट और पानी पीने के लिए वाटर टैप्स मिल जाएगा, तो आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगा। तो ये है 300 एंट्री का, स्पेशल एंट्री का, यू नो यहाँ से लाइन स्टार्ट होता है, तो हम लोग यहीं पर जो अभी रुक के जाएंगे। तो ये है एंट्री यहाँ से। धोती पहन का शर्ट पैंट पहन के भी जा सकते हैं, कभी कभार जो है बोलते भी है धोती पहनने के लिए। मैं पहले कुर्ता पजामा पहन रहा था लेकिन बाद में जो है शर्ट पैंट भी पहन लेते, देखते चांस लेके धोती हाथ साथ में रखा है, खरीद ली 200 रुपये में एक धोती और पहन लेते अच्छे से पहना। लेकिन बहुत लोग जो पहने नहीं जैसे जा रहे, लेकिन फिर भी पहन लिए, ले लिए, बाद में लाइन से भगा दिया तो दिक्कत हो जाएगा। और हाँ, आपके पास कोई भी वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ रहना जरूरी है, स्पेशली आधार कार्ड अगर आप ऑनलाइन स्पेशल दर्शन टिकट लेकर जाते हो, वरना फ्री लाइन में जरूरत नहीं पड़ता है। यहाँ पर आप चाहो तो मुंडन भी करा सकते हो और अपना बाल भी डोनेट कर सकते हो, और बहुत लोग आपको यहाँ पर बाल डोनेट करते हुए दिखेंगे भी, क्योंकि इसके पीछे एक रिवाज भी है जहाँ कहा जाता है कि भगवान वेंकटेश्वरा, जो विष्णु जी का ही अवतार है, उन्होंने जब तिरुमाला हिल्स के राजा की बेटी पद्मावती, जो माँ लक्ष्मी का ही अवतार है, उनसे शादी करना चाहते थे, तब वहाँ के राजा ने उनसे बहुत सारी धन का मांग किया था, तब उन्होंने उस टाइम पर भगवान कुबेर से धन उधार लिए थे शादी के लिए। और आज जितने भी बाल डोनेट होते यहाँ पर वो बाहर के देशों में बहुत ही महंगे बिकते हैं, साथ में इससे बहुत सारी प्रोडक्ट्स भी बनते हैं। तो माना जाता है कि लोग अपने बाल डोनेट करने के बाद जो धन इससे आता है वो मंदिर के पूजा और मेंटेनेंस में यूज होता है, और भगवान वेंकटेश्वर को भी मदद होता है कुबेर से लिए हुए कर्ज को चुकाने में। सो जी, दर्शन हो गया हम लोग का और हम लोग निकल गए अभी दर्शन करके, बहुत ही अच्छे से दर्शन हो गया हम लोग का इस बार, तो बहुत ही अच्छे से हम लोग मतलब भगवान के बालाजी के भगवान के सामने से हम लोग बहुत टाइम रुक के गए हम लोग दर्शन करके। सो बहुत मिलता नहीं वैसे, वरना बहुत धक्का मुक्की होता है, हम मतलब भगा देते थे धक्का मार बस दो, इस बार मतलब बहुत कम से कम 20 सेकंड तो रुके थे। सो बहुत ही अच्छा था और लगभग 2 घंटा लगा हम लोग को पूरा क्यू से होते हुए दर्शन करके निकल के आने में, और उसके बाद जो अभी हम लोग गाड़ी वहाँ पर पार्क किया हुआ है, हम लोग मोबाइल और चप्पल वगैरह ले लिए, अभी थोड़ा इधर से थोड़ा जाते थोड़ा जगह पर बैठते, बहुत लोग जाकर बैठते और थोड़ा टाइम स्पेंड करते, उसके बाद निकल जाएंगे लंच करके। नहीं तो ऐसा देख सकते हो यहाँ पर जो ऐसा क्यू बना हुआ होता है पूरा, बहुत जगह घूम घूम के जो जाना पड़ता है, तो डिपेंड होता है सीजन के टाइम, कभी कभार जल्दी हो जाता है, कभी कभार बहुत टाइम लगता है, तो ऐसा करके देख सकते हो पूरा उधर से घूमते हुए फिर नीचे से होते हुए ऐसा करते जो है जाना पड़ता है, और वहाँ पर है दिख रहा होगा टेम्पल। फिर यहाँ पर दर्शन करने के बाद आप यहाँ का फेमस लड्डू ले सकते हो लड्डू काउंटर से, और अगर आप स्पेशल दर्शन टिकट से आते हो तो आपको एक लड्डू फ्री मिलता है पर टिकट, और बाकी आप जितना चाहो लड्डू ले सकते हो, 50 रुपये पर लड्डू का पड़ता है, और यहाँ का लड्डू जो है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है, तो आप ज़रूर अच्छे से लड्डू लेकर जाइए सबके लिए। साथ में यहाँ का अगरबत्ती भी बहुत ही फेमस है, तो वो भी आप ले सकते हो, और उसके लिए आपको थोड़ा बहुत लाइन में भी लगना पड़ सकता है। बेसिकली मंदिर ये जो वॉल दिख रहा है तो उधर ही है मंदिर, ये मंदिर का बैक साइड ही है, और सब लोग यहाँ पर आके जो दर्शन के बाद थोड़ा बैठते हैं, वेट करते हैं, लड्डू वगैरह लेते हैं। सो अभी जो हम लोग पीछे देख रहे हैं ये है मंदिर, और अभी फिलहाल हम लोग निकल के जो थोड़ा आगे जाते हैं, यहाँ पर मार्केट वगैरह है बहुत कुछ, जाके देखते थोड़ा आपको दिखाते हैं सामने क्या क्या मिलता है यहाँ पर। भागो भागो भागो, फ्लोर खतरनाक गर्म है, ओह माय गॉड, नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा। वहाँ जो ऊपर दिख रहा है वहाँ पर लोग दिया वगैरह जलाते हैं, और ये रहा बालाजी मंदिर,
बहुत भीड़ होता है दर्शन, अभी भी बहुत सारे श्रद्धालु जो अभी भी लाइन में है, पूरा दिन भर चलता है यहाँ पर दर्शन। संगो लेट्स गो देयर, नहीं जाना है, चल के जाना बहुत मुश्किल है। हाँ बहुत, घर पैर ना जल जाए, लेकिन कोई नहीं चलते हैं, भगवान यहाँ पर आए हैं तो भगवान बचा लेंगे, लेट्स गो। बहुत गर्मी है भाई साहब, फ्लोर सब बहुत गर्म है ना, जल जा रहा है पूरा, इतना गर्म है, जल जाता पैर, इसलिए जो वो लोग जो पानी डाल डाल के रखते हैं, हाँ ताकि दिक्कत ना हो, लेकिन बहुत गर्म है, बाप रे बाप। यहाँ पर एक सेक्रेट पॉन्ड भी है जिसका नाम है स्वामी पुष्करिणी, और यहाँ पर लोग दर्शन से पहले स्नान भी करते हैं और फिर दर्शन के लिए जाते हैं, तो आप भी जो है इस होली पॉन्ड में एक डुबकी तो जरूर लगाएं। फिर दर्शन के बाद आप यहाँ पर दिया और अगरबत्ती भी जला सकते हो, साथ में यहाँ पर आपको मिलेगा कोकोनट हुंडी जहाँ आप भगवान को नारियल अर्पण कर सकते हो। यहाँ पर ऐसा नियम भी है कि आप आधा नारियल भगवान को अर्पण करें और आधा साथ लेकर जाएं। फिर आप जा सकते हो अन्न प्रसादम सेंटर जहाँ फ्री मील्स प्रोवाइड किया जाता है हर दिन सुबह 8 से रात के 9 बजे तक, तो आप वहाँ पर अपना लंच भी कर सकते हो। साथ में यहाँ पर आपको खरीदारी के लिए बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, तो आप बालाजी भगवान के फोटोज या और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आप खरीद सकते हो यहाँ से। अब देखते हैं संगो हम लोग का चप्पल है कि नहीं, हम लोग वीडियो रिकॉर्डिंग के चक्कर में जो है हम लोग यही पे कहीं पे चप्पल अपना जो छुपा के, चप्पल अदल बदल मत करो। हाँ चलो मिल गया, चलो आ गए, और यहाँ से जो है जूता लेके जाना अलाउड नहीं है क्योंकि ये मंदिर के पीछे का साइड है, हम लोग इधर से आए थे निकल के मोबाइल लेने के लिए, फिर हम लोग गए उस साइड में, तो अभी फ़िलहाल हम लोग का गाड़ी वेट कर रहा है, आगे है म्यूज़ियम वहाँ पर। अभी 2 बज रहा है, हम लोग लगभग 10:30 बजे के आसपास हम लोग यहाँ पर आए थे, लगभग 2 बजे तक सब कुछ हो गया हम लोग के, 2 बजे दर्शन, अभी 1 घंटा इधर उधर करते करते निकल गया। चलो अब चलते हैं। तिरुमला में बहुत सारे गेस्ट हाउस के भी ऑप्शंस है जो आप बुक कर सकते हो ऑनलाइन, बट वो जो है आपको मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा रश रहती है, तो आप जो है तिरुपति में भी रह सकते हो अगर आपको तिरुमला में कोई गेस्ट हाउस नहीं मिलता है, और ऐसे बहुत लोग होते हैं जो गेस्ट हाउस नहीं मिलता, जिन लोगों को वो लोग बाहर ऐसा ओपन वेटिंग एरिया होता है जहाँ पर वो लोग अपना टाइम बिताते हैं और दर्शन के लिए इंतज़ार करते हैं। उसके बाद आप वहाँ के आसपास कुछ जगहें हैं जहाँ जा सकते हो, जिनमें से एक है पाप विनाशम तीर्थम जो कि बालाजी मंदिर से कुछ 7 किलोमीटर की दूरी पर है, और वहाँ पर आपको एक वाटरफॉल्स दिखेगा और माना जाता है कि यहाँ पर स्नान करने से आपके सारे पाप धुल जाता है। फिर दर्शन करने के बाद हम लोग रिटर्न हो गए, और नीचे तिरुपति पहुंचने के बाद हम लोग किए अपना लंच एक होटल में जो अपना ट्रेवल एजेंट ही प्रोवाइड किए, और खाना भी बहुत ही अच्छा था। और फिर हम लोग निकल के चेन्नई के लिए, और पहुंचते पहुंचते लगभग 8 बज गया था शाम का।